तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे YouTube चैनल में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी इधर मस्त हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी टाइम 8:30 हो चुका है और मैं आज आ रखा हूँ अपने तीसरे मोहल्ले में जिसका नाम है दुस्तुकवाल, और यहाँ पे पुस्ता की चिनाई हो रही है। तो ये है चेतक। तो मैं आया था यहाँ पे गन लेने के लिए तेलकवाल में, और गन तो मिला नहीं क्योंकि वो घर पे है नहीं। अब मैं जा रहा हूँ नीचे काम पे। तो ये रहा दुस्तुकवाल। तो यहाँ पे अभी हम मसाला बनाएंगे सीमेंट, तो उसके लिए मेरी ड्यूटी है पानी सारने की। राइस 2 डब्बे हैं और यहाँ पे ऊपर लेके जाना है 50-100 मीटर की दूरी पे। तो इधर है दुस्तुकवाल और यहाँ पे है उनकी टंकी और केले के पेड़ और उस पे लगे हुए हैं छोटे छोटे केले, और डब्बा भरना है यहाँ पे। तो ये जो हमारा तीसरा मोहल्ला है ये उसकी टंकी है, उनका पानी आता है वहां से। तो बहुत दिनों से मैंने हार्ड काम नहीं किया था, आज पूरा काम करना है। दिन के 12:30 हो चुका है टाइम, अब हम करेंगे लंच, उसके बाद थोड़ा सा काम बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। ये है रोड, तो उसका काम भी लगभग पूरा हो ही चुका है। ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है इधर। तो यहाँ पे है दुस्तुकवाल का पंजर जो कि अब पूरा तहस नहस हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप, यह है घर के केले और खाने में एकदम स्वादिष्ट, और एक केले से आपका पेट भर जाएगा। तो यह है तेलकवाल दूसरा मोहल्ला। जय हो पंचायत घर, मुझे जाना है ऊपर। तो मेरी हालत हो चुकी है ख़राब और इधर बहुत काम किया आज, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड काम किया, पत्थर इकट्ठा किए और मसाला बनाया, और अभी वहाँ नीचे से मैं ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ तो मेरी सांस फूल रही है, और आप देख सकते हो मुझे पसीना भी हो रखा है। और इन मेरे पीछे इन रास्तों को देखिए, ये कितने ऊबड़ खाबड़ रास्ते, और ये रास्ते गांव के मेन रास्ते हैं और इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो जो हमारे गांव के मेन रास्ते हैं उनको बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ दीवा के ढाण पे बादल लगे हुए हैं और शायद से उधर बारिश भी होती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊंची जगह पे है। और ये सामने बछूर गांव, और शाम के बज चुके हैं 5, और अभी देखिए आप धूप जाने वाली है और मेरी दौड़ हो रही है कुंडिल के लिए क्योंकि अब घर पे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चलते हैं ऊपर सड़क में टहलने के लिए।
तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ बकरे लेके, और अभी चलते हैं बकरे लेके। और धूप भी अब आ चुकी है, तो आजकल सुबह पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और आदमी स्वेटर पहन रहा है, टोपी पहन रहा है। तो हमारे यहाँ की पाइपलाइन टूटी हुई है, और ये रहा वो पाइप जो जेसीबी ने तोड़ दिया था, और इसका अब दूसरा पाइप नहीं मिल रहा है, दूसरा कोना जिससे पानी जाता है टंकी में। तो यहाँ पे देखिए आप कितना हरा हो रखा है, डेली इनमें पानी जा रहा है इन पौधों में। और ये देखिए यहाँ पे कट मार रखा है पाइप पे, तो बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और मैं आ गया हूँ बकरों से घर पे। अम्मी की ड्यूटी है खाना बनाने की, और कुछ मैंने जो हमारी दालें हो रखी थी यहाँ पे, हमने रखी हुई है मिर्ची और हमारी जितनी भी सारी दाल हो रखी थी मैंने यहाँ पे उनको धूप में रख दिया है। अभी थोड़ी देर धूप में इनको सूखने के बाद अंदर रखेंगे। तो अभी देखिए ये राजमा वही उड़द हो गई। तो आज मैं बना रहा हूँ राजमा चावल, और ये है हमारी घर की राजमा। तो आज को बनाते हैं। तो आज चावल मैं चूल्हे पे बना रहा हूँ, और गैस से जल्दी चूल्हे पे चावल बनते हैं। तो दिन के 2 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ जयखल, क्योंकि कल मेरा काम नहीं हुआ था और मैं अब जा रहा हूँ। तो धूप भी अच्छी खासी निकल रखी है, और जयखल से आने के बाद मुझे जाना है परकून लगाने के लिए। तो काम ही काम हो रखे हैं आजकल गांव में, और थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं जयखल और देखते हैं काम होता है कि नहीं होता। सो गाइस, फिर से पोपट हो गया है, और जिस काम से आया था अभी दुकान बंद हो रखी है। शाम के टाइम पे आना पड़ेगा 4 बजे। तो अब घर पे चल के पहले घास इकट्ठा करते हैं जहाँ पे पलकुन लगानी है। तो मैं मिलता हूँ कुछ देर घर पे। तो मैं आ गया हूँ घर पे, और अब मेरी तैयारी हो रही है घास सारने की। अरे इतनी तेज धूप लगी हुई है, और भाई क्या करें, गांव में काम ही काम। तो यहाँ से हम घास लेके जा रहे हैं उस साइड को, घर की साइड को, और इस साइड का नाम है गैरियू। तो यहाँ पे लगानी है हमें पलकून इस वाले पेड़ पे, और यहाँ पे हम डाल देंगे घास। तो पलकून आज शायद से लगेगी नहीं, क्योंकि टाइम तो है नहीं। आज घास आ लेते हैं, फिर पलकून देख लेंगे। और हालत ख़राब हो रही है धूप में काम करने में। ये देखिए कितना घास ले जा रही है मम्मी, और मुझे आगे से लेके जाना है। तो भाई आज बन गई है रेल, और मैं सार रहा हूँ घास। तो इतना काम करना पड़ रहा आजकल। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अभी देखिए आप इतना सारा घास लेके आ रहा हूँ मैं, और घास तो सारी रहे हैं लेकिन कुमुर लग रहे हैं हम पे। कुमुर समझते हो ना आप, तस तस बिना रहे हैं हमारे शरीर पे। अभी तो और घास भी लाना है। तो ये इतना घास यहाँ पे आ चुका है, और इस बार बहुत सारा घास हो रखा है हर खेत में। मतलब 2 से 3 पलकुंडे निकल रही हैं भाई, घास की इस बार कोई कमी नहीं है। कलश यात्रा भागवत कथा की। Okay।
चल रही होती है और तेज आती है।